भारत में यूपीएससी का क्रेज समय के साथ बढ़ता ही रहा है और इस बढ़ते क्रेज के साथ देश में कोचिंग संस्थानों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तो ऐसा समय आ गया है कि लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी की शुरुआत अच्छे कोचिंग संस्थान की खोज से ही करता है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि तैयारी को बेहतर बनाने में एक कोच या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, मगर इसका अर्थ ये कतई नहीं कि बिना कोचिंग के यूपीएससी में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। हर साल रिजल्ट आने के बाद हम ऐसी कई कहानियां सुनते हैं जिसमें बिना कोचिंग की सहायता से ही छात्रों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। तो बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है बिना कोचिंग आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो क्या कोचिंग के बिना आईएएस परीक्षा में सफलता मिल सकती है? आपने इस प्रश्न को उम्मीदवारों और मीडिया के माध्यम से अधिकतर पूछा और सुना जरूर होगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के पहले हमें यह समझना होगा कि कोचिंग का आपकी तैयारी में क्या योगदान होता है। तो कोचिंग संस्थान परीक्षा की तैयारी तो कराती है, लेकिन इसके अलावा वो हमारी क्षमताओं को जागृत करती है। तो कोचिंग संस्थान हमारे परीक्षा के विषय पर चर्चा करते हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं। तो जिस प्रकार एक अच्छा कोच अपने शिष्य को की जो प्रतिभा है उसको निखार कर उसे बेहतरीन खिलाड़ी बना सकता है, उसी प्रकार एक अच्छा कोचिंग संस्थान सही मार्गदर्शन से अपने छात्र को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। तो यदि हम कोच और सलाहकार के बिना भी सफलता प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं तो बेशक ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने बिना गुरु के अद्वितीय सहायता प्राप्त की है, जैसे कि महाभारत में एकलव्य को ही ले लीजिए। मगर कोचिंग करना चाहिए या नहीं, ये पूरी तरह से आपकी क्षमता और प्रतिभा पर ही निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे तय होगा कि आपको कोचिंग की जरूरत है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दें। पहला, क्या आपको यूपीएससी पाठ्यक्रम, नवीनतम पैटर्न, आईएएस किताबों के बारे में पूरी जानकारी है? और क्या आप अपने लिए एक रणनीति तैयार कर सकते हैं? क्या आप अकेले तैयारी करने में सहज या कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? क्या आप मेंस परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अकेले कर सकते हैं? क्या आप अपनी गलतियों की पहचान खुद करते हुए उन्हें ठीक कर सकते हैं? यदि इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। मगर बिना कोचिंग की तैयारी करना इतना आसान भी नहीं होता। इनमें सबसे बड़ी समस्या अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में आती है। तो इसके लिए आपको अपने आप से पूरी तरह ईमानदार रहना होगा और खुद को हर समय नई कसौटियों पर कसना होगा। अब जानिए कि बिना कोचिंग के आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। पहली बात, वर्तमान समय में लगभग सभी छात्रों के पास मोबाइल फोन्स होते हैं, यह आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आप इंटरनेट का प्रयोग कर अध्ययन सामग्री के विषय में जानकारी और तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ YouTube पर आप बहुत सारे ऐसे चैनल आपको दिख जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, जो कि फ्री में आपकी तैयारी में सहायता कर सकते हैं। साथ ही साथ आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम को सही से समझना होगा। तो पाठ्यक्रम को समझने के बाद आपको पूर्व प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। इसमें आपको इस प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में सही जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ आईएएस परीक्षा का पाठ्यक्रम हमें सबको पता है बहुत विशाल है, इसके लिए आपको प्रत्येक दिन लगभग 10 से 11 घंटे तक जो तैयारी है वो पढ़ाई के लिए आपको समय देना होगा। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स को हल करें। पहले आपको एक सेट हल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, मगर धीरे धीरे ये समय कम होता चला जाएगा। इस प्रकार से आपके अंदर प्रश्नों को जल्दी हल करने की जो क्षमता है वो उस क्षमता का विकास हो जाएगा। आपको प्रत्येक दिन दैनिक समाचार पत्र का अध्ययन करना होगा। दैनिक समाचार पत्रों में आपको राष्ट्रीय, प्रादेशिक और संपादकीय और खेल समाचार का सही से अध्ययन करना होगा। तो इन्हें अधिक दिनों तक याद करने के लिए आप एक नोटबुक बनाएं और उनमें आप इन विषयों के बारे में लिखें और संबंधित चित्रों को काट कर नोटबुक में चिपकाएं। इससे आप उसे ज्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप प्रत्येक विषय के लिए कर सकते हैं और जो आपको, खासतौर से उन विषयों के लिए जो आपको अच्छे से याद नहीं होते।
तो ध्यान रखें कि सभी कोचिंग संस्थान बुरे नहीं हैं और ऐसे बहुत से अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जो अभ्यर्थियों के धन नहीं बल्कि उनके लक्ष्य को पूरा कराने और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को महत्व देते हैं। इसलिए केवल कोचिंग संस्थानों को उच्च प्रतिष्ठा का माध्यम बनाकर उनमें शामिल ना हो बल्कि उनके द्वारा दिए गए वास्तविक परिणामों और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझ कर ही आप अपना निर्णय लें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, आप कुछ कहना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।